हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ ट्रेड लेना चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे, हमने कल क्या डिस्कस किया, तो मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। फर्स्ट हमने बोला था कि 42,500 या 700, ये आपके लिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट गैप अप खुला है तो उसी के बारे में बात करेंगे। खुलता है तो बाई नहीं करना है, आपको वेट करना है। मार्केट जब भी आपको एक रिएक्शन का चांस दे आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। मार्केट खुलते ही काफ़ी अच्छे गिरा है, डेफिनेटली यहाँ पे किसी को कैच करने नहीं मिला होगा क्योंकि फर्स्ट मिनट का कैंडल ही मोर देन 600 पॉइंट नीचे था। तो यहाँ पे डिक्ली सेलिंग नहीं किया जाता था, लेकिन मार्केट ने होल्ड करके यहाँ पे सेल ऑफ दिखाया जो कि कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन समय लाइक 100 पॉइंट्स नीचे आया रहेगा, उसके बाद वापस मार्केट ने रिकवरी करते 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 क्लोजिंग समय लाइक पॉजिटिव करके रखी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्लोजिंग पॉजिटिव करके रखी है, अगर आप देखते हो मार्केट ने टच किया है 61.8 लेवल, जो रिट्रेसमेंट है टॉप से लेकर अगर यहाँ से मैं यहाँ तक कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो रिट्रेसमेंट है वो 61.8% है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस आ चुका है, यहाँ पे वापस मार्केट एक कंटिन्यूशन में अपसाइड जा सकता है। लेकिन उसको ट्रेड कैसे करेंगे, फर्स्ट आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन राइट। अगर मार्केट फ्लैट कल खुलता है और अगर पहले नीचे आके फिर अगर ऊपर क्रॉस करेगा 42,300 का लेवल, ओके 42,300 का लेवल अगर फ्लैट खुल के ये ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर आता तो सिंपली यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 100 पॉइंट्स आपको ऑन द हायर साइड इजीली मिल सकते हैं, बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं करेंगे। काफ़ी इजी रीज़न है ये, बड़ा आपका हाई ये आपका लो, अगर आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करते हो, ये पॉइंट वाइज अगर आप देखते हो, एक सेकेंड कितना पॉइंट है ये को निकाल देते हैं फॉर इंस्टेंस, पॉइंट वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हाई समवेयर लाइक 800 पॉइंट्स है। काफ़ी दोनों के बाद रैली आई है और मार्केट ने बीच में आके क्लोज किया है, तो नेक्स्ट कैंडल चांसेस भी रहा है कि इसी जगह पे ट्रेड करके इनसाइड कैंडल बना दें, ओके। तो इसलिए बड़ा टारगेट की प्लान नहीं करेंगे। सेलिंग अगर हमें करनी है, अगर मार्केट में हमें सेलिंग करनी है तो सेलिंग कैसे की जाएगी, देखिए ये लेवल है, यहाँ पे सब लोग सेल करेंगे, रिटेलर्स भी आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैपिंग हो सकती है। हमें सेल करना है अगर मार्केट 42,000 के नीचे आता है तो उस केस में ये 200 पॉइंट्स का जो स्कोप है ये हमारे लिए सेलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें कुछ भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है नियर 42,000 लेवल या फिर उसके थोड़े से नीचे, कुछ भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं ईजिली। उसके बीच में अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ट्रेड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड करना इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर कोई अच्छा पैटर्न बनाए तो सही है, लेकिन या फिर मार्केट सिर्फ आपको ट्रैप ही करते रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ मॉर्निंग में सेलिंग करने का ट्राई किया था, कुछ सेलिंग मोमेंटम आया नहीं, उसके बाद बाइंग मोमेंटम किया, मार्केट अपसाइड तो ज़रूर आया लेकिन ऑप्शन प्रीमियम ऐसे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अगर मार्केट मूव नहीं करता है और आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है वहाँ पे, इधर आप स्टॉप लॉस जो है आपका कम रखिए, बेसिकली कम इन द सेंस क्वांटिटी आपको कम करनी है, या फिर जो पॉइंट वाइज आप टारगेट कैप्चर करते हो वो आपको कम कर देने हैं, ओके। तो फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो हम बाई कर सकते हैं बेसिकली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है डायरेक्टली बाई नहीं करेंगे, 42,500 का रेजिस्टेंस जोन है, इसको रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट कुछ यहाँ पे होल्ड करता है तो ये 100 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे एक आराम से ट्रेड बिठा सकते हो, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भी निकल सकता है, ओके। और दूसरा है कि मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन हुआ तो, सी गैप अप या गैप डाउन हुआ तो सिंपल, गैप अप हुआ तो डायरेक्टली बाई नहीं करना, सेल नहीं करना, आपको वेट करना है। प्राइस एक्शन देखिए, हायर हाई बना रहा है या फिर लोअर लो बना रहा है, अकॉर्डिंगली ही आप ट्रेड लीजिए अगर गैप अप होता है तो। इनकेस अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में है तो ये ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेक हो जाएगी, ये सेलिंग मोमेंटम इस ये जो सेलर्स है वापस यहाँ पे कुछ सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, मार्केट वापस सेलिंग में आएगा, लेकिन एंट्री लेवल आपका 42,000 के नीचे ही होगा, इसके बीच में आपको ट्रेड लेना नहीं है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए, निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा गैप अप खुला था लेकिन निफ्टी में बड़ा गैप अप नहीं, निफ्टी हार्डली 20 पॉइंट्स ऊपर खुला था और वहीं से सेल ऑफ आया, मार्केट हाई से कल का जो लो है उसको ब्रेक करते हुए नीचे आया, तो ये भी काफ़ी फास्ट मोमेंटम था। उसके बाद मार्केट ने एक होल्ड करके छोटा डाउन साइड मोमेंट लिखा के सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर आया। ये रिट्रेसमेंट आपका है समवेयर लाइक 50% का, इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी एक बाइंग है लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी बैंक निफ्टी में दिखी, क्योंकि बैंक निफ्टी में लेवल आपका आता है 61.8% का, वेराज निफ्टी में आता है सिर्फ 50%। इसका मतलब अभी भी इसके पास स्कोप है, 61.8 जाके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जा सकता है, ओके। यहाँ पे निफ्टी में डायरेक्टली बाई नहीं करेंगे या और दूसरा निफ्टी डायरेक्टली सेल भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है राइट, तो काफ़ी लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आप 80 पे सेल करोगे मार्केट 40 पे आके रुक सकता है, तो ये 40 पॉइंट्स अगर आपको स्कोप लेना है आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मेरे मानना है तो कुछ एटलीस्ट 50-60 पॉइंट का स्कोप दिखे तो ही आप ट्रेड लो। तो यहाँ पे आपको वेट करना है एटलीस्ट मार्केट 17,640 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे। जैसे कल के लेवल में हमने बात किया था कि 17,735 के नीचे ही सेलिंग करना है, जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम में आया, भले बैंक निफ्टी में आपने सेलिंग कैप्चर नहीं किया हो क्योंकि वो खुलते ही नीचे आया, लेकिन निफ्टी खुलते ही नीचे नहीं आया, आपको यहाँ पे एक स्पेस टाइम मिला है, ओके।
तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो इजीली अगर आप लेवल्स को फॉलो करोगे तो। तो यहाँ पे 17,640 के नीचे ही सेलिंग मोमेंटम आएगा, भले मार्केट यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखा दे, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है, ये नीचे आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा, मार्केट यहीं से बाउंस लेके ऊपर जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव जाएगा तो निफ्टी ज़्यादा गिर नहीं पाएगा, ओके। और ऑलरेडी कुछ दो दिनों से निफ्टी नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो उस केस में बैंक निफ्टी ट्राई करेगा कि अब जो दो दिन उसने होल्ड किया है उसका फ़ायदा उठा के जल्दी से एक अपसाइड मोमेंटम दिखा दे। क्यों? अगर वो नहीं दिखाता है तो मार्केट फिर अगेन एक सेलिंग मोमेंटम में आ जाएगा, एक शार्प सेलिंग, मतलब गिरा, रिट्रेसमेंट और एक शार्प सेलिंग, ओके। तो यहाँ इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 17,570 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा आपका 17,500 का लेवल, जो कि कुछ यहाँ पे आता है, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको टारगेट मिल जाएगा अगर मार्केट सेकेंड टारगेट के लिए, बेसिकली वो ट्रेलिंग बेसिस पे होगा। अगर निफ्टी आपका ये फ्लैट खुलता है तो, निफ्टी अगर गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, उस केस में क्या करेंगे? गैप अप खुलता है आप डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, क्यों? ऊपर जाएगा तो बेसिकली आप स्टॉप लॉस आपको काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा। अगर मार्केट वहीं से नीचे आता है तो आपको यहाँ पे एक एग्जैक्ट लेवल नहीं मिल रही है, ओके। तो प्रेफर करना है सेलिंग के लिए, लेकिन किस तरह करना है आपको, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो 17,800 आपके लिए है लेवल जहाँ पे आप सेलिंग मोमेंटम देख सकते हो। अगर मार्केट 17,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली मार्केट इस हाई को निकाल देगा, तो उस केस में आपको सेलिंग का नहीं सोचना है, फिर आपको सिर्फ बाइंग का ही सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर 17,800 के पास आपको कुछ सेलिंग मोमेंटम दिखता है, कोई सेलिंग पैटर्न दिखता है, तो उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे निफ्टी में आज जब पैटर्न बना था, ये वाला जो ट्रायंगल पैटर्न बना था, ये हमने फ्री टेलीग्राम जो मेरा चैनल है यहाँ पे आप आईडी देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट करके रखा था। तो जिन लोग को उसके ऊपर ट्रेड करना है, कोई पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना है, पैटर्न को सीखना है, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं इन डिटेल में कौन से लेवल पे क्या दिख रहा है, किस तरह आप उसको देख सकते हो और उसको किस तरह एनालिसिस कर सकते हो, वो काफ़ी सारा चीज़ें मैं वहाँ पर सिखाता हूँ, तो आप उसको वहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या करेंगे? मार्केट अगर गैप डाउन खुलता तो सिंपल है, हमको जैसे हमने बैंक नोट प्लान किया था सेलिंग का ही सोचना है, लेकिन एटलीस्ट 17,640 के नीचे आएगा तो सेलिंग का सोचना या फिर सेलिंग का सोचना नहीं है। इस बीच में बेसिकली बड़ा थोड़ा स्कोप बड़ा है, मार्केट इनसाइड कैंडल बना सकता है, तो ये आपके लिए बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आपके पैसे लूज ही होंगे, प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो ये था आज का एनालिसिस वीडियो, जो आप कल के लिए यूज़ कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक इट और मेक श्योर टू ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और आपको कुछ डाउट्स क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।